आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा माइन न्यू घोपरू मैंने कौन सा गोप्रो लिया है कितने का लिया है कहाँ से लिया है इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ और गोपरू को टेस्टिंग करूँगा मैं फर्स्ट टाइम गोपरो यूज़ करने जा रहा हूँ और पिछला ब्लॉग में मैंने ये भी बताया था कि मोटो ब्लॉगिंग भी करने का सोच रहा हूँ तो मैं तो इसीलिए मैं गोप्रो लिया हूँ और जो मैं थाईलैंड जाने वाला हूँ वहाँ पर काफ़ी सारा वाटर एक्टिविटी भी करने वाला हूँ मैं तो वाटर एक्टिविटी के लिए भाई गोप्रो लगेगा गोप्रो वाटर रहता है आप लोगों को तो पता ही है चलिए पहले नाश्ता कर लेता हूँ नाश्ता यहाँ पर मेरा रखा हुआ है ये आलू और बैंगन की सब्जी है नहीं सॉरी आलू और क्या है इसमें नैनवा और ये मेरा पराठा आई लव पराठा नाश्ता कर लूँ उसके बाद ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं ओके चलिए हेलो हाय मैडम हो बढ़िया मस्त हो ठीक हो तो कैंस अभी मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा था जो पिछला ब्लॉग था उन सभी का जो मैं कुवैत से बनारस आया और बनारस से बना अपने घर आया उन सभी का तो काफी लोग बोल रहे हैं भाई आप कहाँ से हो मुझे मिलना है आपसे वेलकम कुछ लोग कर रहे हैं वेलकम टू इंडिया भाई थैंक यू सो मच एक कमेंट है सर मैं बनारस से हूं और आपसे मिलना चाहता हूँ रजन मिश्रा सो so, मैं आपसे क्या बताऊ आप लोगों से मैं सोच रहा हूँ मीटअप करने का यहां पर तो लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब अपना वन लैक हो जाएगा ना तब मीटअप करूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो इनशाला मीटअप करेंगे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मुझे आपसे मिलना है कहाँ से हैं आप बनारस से कहाँ गए कौन से जगह पे आपके घर है बहुत सारे कमेंट देख रहा हूँ मैं आप लोगों को कमेंट ही पढ़ रहा हूँ अभी और यार ये वाले येग को काफी लोग पसंद कर रहे हैं जो मैं आ, इन, से इंडिया आया अच्छे व्यूज पे तो जो मैं आप लोगों से पूछा था में जब मैंने ब्लॉग बनाया था कि टाइमिंग क्या वीडियो का तो आप लोगों ने बोला था कि इवनिंग के टाइम में तीन बजे के बाद कभी भी आप ब्लॉग अपलोड कर सकते हो तो थ्री पी मैंने टाइम चूज किया है इंडिया का टाइम कुवैत का टाइम हो गया वो ट्वेल्व थर्टी मतलब साढ़े बारह बजे कुवैत के टाइम से और इंडिया के टाइम से तीन बजे तो तीन बजे फाइन, फाइनलाइज किया गया है आपके एम ने फाइनल किया और आपके कमेंट को देख करके तो चलिए इस ब्लॉग के बारे में बात करते हैं फाइनली आप लोगों ने थमनेल तो देख लिया होगा माय न्यू गोप्रो हेयर इज माय गोप्रो तो ये गोप्रो क्यों लिया आऊ किस लिए लिया आऊं वो आपको इस ब्लॉग में पता चलेगा और गोप्रो की अनबॉक्सिंग पहले से ही हो चुकी है गोप्रो कैसे लिया कहाँ से लिया थोड़ा सा कुत का क्लिप बचा है तो उसे आप जरा देख लो उसके बाद इस गोप्रो को भी आपको दिखाता हूँ कौन सा गोप्रो है और कितने का पड़ा कहां से लिया तो पहले आप कुत की क्लिप देख लो उसके बाद मैं आता हूँ मिलता हूँ आप लोगों से ओके चलिए फिर अभी मैं जा रहा हूँ कुवैत सिटी सामने का जो व्यू है वो है कुैत सिटी इसे मालिया भी लोग कहते हैं तो ये पूरा कुवैत सिटी में आता है तो चलिए बस पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं चलता हूँ कुैत सिटी अपने को गोपरू लेना है तो देखते हैं नाइन या टेन जो भी लेंगे यहाँ से मेरे को बस मिलेगा बस खड़ा है ऑलरेडी चलिए फटाफट चलते बस बैठते और यहाँ पर भी मैं पहुँच गया मालिया में के एफ़ी के ठीक सामने है बेस्टल यूसुफी इसके अंदर मेरे को जाना है चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं गोप्रो है, गोप्र है बेस्टल यूसुफ़ी तो ये मैं आ गया हूँ अंदर और यहाँ पर पहले मेरे को बैग जमा करना पड़ेगा तो यहाँ पर बैग जमा बैक था 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 हूं। जमा करना उसके बाद चलता हूँ अंदरबल है बेस्टल यूसुफी में गोप्रो मैंने देखा गोप्रो कैमरा है यहाँ पर लेकिन जहाँ पर जिस सेक्शन में वहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे देख लो इधर काम चल रहा है िस हजार पाँच सौ छियासठ रूपए होता है इंडिया के हिसाब से यहाँ से निकल गया हूँ अब मैं बात करता हूँ हनी भाई से हनी भाई से एक बार बात हुआ था मेरा उन्होंने बोला था कि गोप्रो नाइन है दिलवा दूंगा तो भाई वो गोप्रो है ना मेरे को नाइन अभी टेन का बजट नहीं है अपने पास तो अब हनी भाई से कॉन्टेक्ट करता चला जाना तो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ मैंने अनबॉक्सिंग कर ही लिया था लेकिन अभी आप लोग देख लो तो ये कुछ स्टिकर है गोप्रो का ये इसका चार्जर के लिए और गोप्रो को पहले साइड में रखते कुछ रहता नहीं इसमें ये एक भाई दिया हुआ है इसको लगाने के लिए अगर आपको बाइक से ब्लॉगिंग करना है तो हेलमेट में इसको चिपका करके लगा सकते हैं इतना कुछ ही ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसको पहले साइड में रखते हैं ओके तो ये इधर आ जाए पास में ये है जी गोप्रो गोप्रो हीरो नाइन तो पहले मैं ब्लॉगिंग करता था अपने इस आईफोन 11 से ठीक है तो अभी हमने आईफोन भी चेंज किया है अपना वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये मोटो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट रहेगा तो मैं 9 ले आओ GoPro Hero 9 तो अभी 10 11 भी चल रहा है तो अभी अपने बजट में यही लगा भाई तो यही लिए तो इस कैमरे के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने हनीफ भाई को हनीफ भाई का काफी भाई कुवेत में जलवा है वो भाई बेस्टर यूसुफी से अलगानिम से उनको बेस्ट सेल में मिलता रहता है तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा प्राइस में पड़ गया थैंक यू सो मच हनी भाई हनी भाई कौन है एमन के फादर एक्सप्लोर ए तो भाई थैंक्स अगर आप लोग को भी उनको कहना है तो जाकर के एमन के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग वो भी में ब्लॉगिंग करता है तो बेस्ट प्राइस में पड़ा है मेरे को आप सोच भी नहीं सकते जिस प्राइज में मैं ये लिया हूं गोप्रो तो चलो थैंक यू सो मच हनी भाई अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो एक बार कमेंट में कुछ भी बोल देना तो ये तो प्राइस की बात रही अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो इसे एक बार ओपन कर लेता हूँ आप लोगों को दिखा देता हूँ मैंने इसमें मेमोरी वगैरह डाल रखा है चलो फिर ओपन हो जाए भाई नहीं ये तो रिकॉर्डिंग वाला है बटन यहाँ से ओपन हो अच्छा ओपन हो गया उससे भी हो जाता है क्या ये देखिए ये जी फ्रंट भी है इसमें और अभी आप देख सकते हो मेरे पास कौन सा आईफोन है तो ये आईफोन थर्टीन अभी अपने पास है तो अभी मैं आया आऊँ अपने छत पे टेरिस पे तो गोप्रो की क्वालिटी चेक करने आओ भाई अभी फ़र्स्ट टाइम मैं गोप्रो से शूट करने जा रहा हूँ अब जब से लिया हूँ अभी तक कोई शूट वगैरह किया नहीं हूँ इसे स्टार्ट किया हूँ बस चेक किया और रख दिया हूँ तो अभी आप जो ये फोटोज़ देख रहे हो ये है मेरे आईफोन से तो अब मैं ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ अपने गोप्रो से तो ये छत पर काफ़ी हवा चल रहा था इसलिए मैं अपने अभी रूम में आ गया तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं तो अभी ये जो फोटोज़ देख रहे हो ये मेरे आईफोन से शूट हो रहा है ये गोप्रो से शूट हो रहा है तो अभी मैंने टू के और 60 एफ पे रखा है तो बस ऐसे ही चेक करने के लिए अभी मोटर ब्लॉगिंग करेंगे तो उसमें सेटिंग चेंज करने वाला है बाकी इसका अभी इंटरनल माइक है अभी मैंने अडेप्टर और माइक ऑर्डर मैं करने वाला हूँ अभी क्योंकि भाई घोप्रो लेना कोई बड़ी बात नहीं है इसका अडेप्टर माइक और काफ़ी सारे एक्सेसरीज अलग से परचेस करने पड़ते हैं तो चलिए हवा भी काफ़ी तेज़ चल रहा है मैं छत पर गया था वहाँ पर भी हवा काफ़ी तेज था अभी मेरा विंडो ओपन हुआ है यहाँ से तो थोड़ा बहुत हवा आ रहा है कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट बताइए कि इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है इधर इधर देख क्या कर रहा हूँ मोबाइल में दिखा मैं गोप्रो का एसेसरीज परचेज कर रहा हूँ ये अडेप्टर देख गोप्रो माइक एडेप्टर भाई ये कितने का है चार हज़ार सात सौ चार हज़ार आठ सौ रुपये का है इधर से दिखा ऐसे भाई कितने महंगे महंगे यार इसके एसेसरीज और ये भी अपने को लेना पड़ेगा लिमिट टाइम डील तो ये इसको भी लेना पड़ेगा इसको भी लेना पड़ेगा और क्या चाहिए अपने को चलो फिर बैठो आराम से सारा कुछ करके उसके बाद डिलीवरी लेकर के एक दो दिन में आ जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या लिया है कौन कौन से इक्विपमेंट लिए और टोटल कितने का पड़ा है तो भाई खर्चा तो होने वाला है भाई चार हज़ार पाँच हज़ार का तो ओनली वो माइक का अडेप्ट पड़ रहा है माइक वगैरह लेकर के मेरे को लगता है बारह तेरह हज़ार चौदह हजार तक पंद्रह हज़ार तो मान लीजिए चला ही जाएगा तो सब कुछ करके उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ ओके चलिए फाइनली हो गया सारा कुछ मैंने क्या क्या लिया है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा डिलीवरी जब हो जाएगा जब मैं अनबॉक्सिंग करूंगा सारे सारी चीज़ों का तो आप देख लेना तो आई होप कि आपको इस ब्लॉग में आ, कुछ भी अच्छा लगा हो जो कुछ भी अच्छा लगा अगर तो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना तो सफ़र शुरू होने वाला है कैंस कुछ ही दिनों में बस कुछ दिनों में निकलने वाला हूँ थाईलैंड के लिए तो फिर क्या ही क्या है जो कुछ भी आएगा आप नेक्स्ट व्लॉग में देख लेना और ये हमारे कैमरे साहब जब भी आते हैं घर पर तो ये अपना हेल्प करता तो चलिए फिर आई होप कि आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब कर लेना नहीं, ये लाइक का बटन है सब्सक्राइब कर लो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में खुदा हाफिज